हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, न्यू कनेक्शन लेना है या फिर पुराने कनेक्शन में नाम चेंज करवाना है, तो उसके लिए हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल ओपन करके उत्तर हरियाणा या फिर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जो भी आपका जोन पड़ता है, अगर आपका उत्तर हरियाणा पड़ता है तो UHBVN ऑनलाइन लिख के सर्च करें, अगर दक्षिण हरियाणा पड़ता है तो DHBVN ऑनलाइन लिख के सर्च करें। उसके बाद जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की वेबसाइट ओपन होगी उस पर क्लिक करें, ये वेब पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड का। यहाँ पर इसमें सबसे ऊपर जो ये बार है, इसमें बिल पे करने का और न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करने का दोनों के लिए ऑप्शन है। तो अगर आप न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू कनेक्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर अगर आप पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ना चाहते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ये इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कौन सी कैटेगरी के लिए है सप्लाई की। तो अप्लाई करने से पहले अगर आप ये डिटेल में देखना चाहते हैं तो इनको ओपन करके देख सकते हैं। जैसे कि ये एप्लीकेशन फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स में हमें इन इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला जो है वो है प्रूफ ऑफ ओनरशिप, उसमें आप रजिस्ट्री की कॉपी, फुल पेमेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, रेंट डीड कोई भी लगा सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या फिर एग्रीकल्चर सप्लाई कनेक्शन कुछ है अगर आपके प्लॉट या घर के ऊपर, तो इनमें से कोई भी आप प्रूफ ऑफ ऑनरशिप में लगा सकते हैं। उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं इन्होंने, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप साथ में अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा एक फ़ोटो भी अपलोड करना होता है हमें, तो ये तीन डॉक्यूमेंट्स चाहिए बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ये कैटेगरीज हैं सप्लाई की, 12 टाइप की कैटेगरी हैं, इसमें से जो भी आप जिस कैटेगरी के लिए भी अप्लाई करना चाहें उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चार्जेस की लिस्ट है, जो चार्जेस आपको देने पड़ेंगे न्यू कनेक्शन के लिए। इसमें 2 किलोवाट तक अगर लोड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए 50 रुपये चार्जेस हैं, उसके बाद पर किलोवाट 25 रुपये एक्स्ट्रा हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक सप्लाई के लिए जो मीटर के चार्जेस हैं, जो आपको एडवांस डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, वो 750 रुपये हैं, और नॉन डोमेस्टिक के लिए 1000 रुपये। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। ये टाइम लिमिट है, किस टाइप के कनेक्शन के लिए कितनी टाइम लिमिट है, तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। अगर आपको लोड की कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे कैलकुलेशन की सीट भी दे रखी है कि लाइट पॉइंट्स के लिए, फ़ैन के लिए, एसी के लिए कितना लोड होगा, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करने से पहले ये डिटेल्स एक बार चेक कर लें। उसके बाद अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन के नीचे जो ये अप्लाई का बटन है उस पर क्लिक करें, तो ये फॉर्म ओपन हो जाएगा आपके सामने। ये फॉर्म आपको फिल करना है, इसमें एक एक करके सारी डिटेल्स फिल करें। सबसे पहले अपना सर्कल सिलेक्ट करें, किस डिस्ट्रिक्ट में है आपका जो भी प्लॉट है जहाँ पे आपको कनेक्शन चाहिए। उसके बाद आपको अपनी सब डिवीज़न सिलेक्ट करनी है। अगर आपको अपनी सब डिवीज़न के बारे में नहीं पता तो आप ऊपर इन्होंने लिंक दे रखा है, क्लिक हियर इफ़ यू डोंट नो योर सब डिवीज़न, तो यहाँ पर क्लिक करके अपनी सब डिवीज़न के बारे में जान सकते हैं। इसमें अगर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद अगर आप प्रॉपर शहर में हैं तो सिटी सिलेक्ट करें, अगर किसी गांव में कनेक्शन चाहिए तो जो सेमी अर्बन है उसमें 1 या 2 में सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद अपना एरिया सिलेक्ट करें, तो ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करके अगर आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी सब डिवीज़न अपने आप आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करें, किस टाइप का कनेक्शन चाहिए आपको, डोमेस्टिक के लिए अप्लाई करना है तो डोमेस्टिक सिलेक्ट करें। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है या फिर लोड को घटाने या बढ़ाने के लिए या फिर नाम चेंज करवाने के लिए, तो जिस टाइप का कनेक्शन आपको चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में परमानेंट ही आएगा। उसके बाद एप्लीकेंट डिटेल्स फिल करें, एप्लीकेंट टाइप अगर आप इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल, अगर आपका कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो उसके लिए नीचे वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने डिटेल्स एंटर करें, नेम फादर नेम एंटर करने के बाद आइडेंटिटी प्रूफ जो आप साथ अटैच करेंगे, उसके बाद अपना एड्रेस जहाँ पे आपको कनेक्शन चाहिए वो एड्रेस एंटर करना है आपको यहाँ पे। अपनी एड्रेस की सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करें। उसके बाद अगर जहाँ पर आपको मीटर कनेक्शन चाहिए वो ऑथराइज्ड एरिया में है तो यस करें, अदरवाइज नो करें। फिर अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एक समान है तो यहाँ पर टिक करें, सेम एज अबव। इसके बाद आपको लोड की डिटेल्स एंटर करनी है, जितने किलोवाट का लोड आप लगवाना चाहते हैं उसकी एंट्री करें। पर्पज़ ऑफ सप्लाई में डोमेस्टिक ही एंटर कर सकते हैं आप, अगर आप डोमेस्टिक कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मीटरिंग इक्विपमेंट में डिपार्टमेंट ही सिलेक्ट करें, क्योंकि डिपार्टमेंट अब नए मीटर इशू कर रहा है सबको, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ही रहने दें। उसके बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, डॉक्यूमेंट JPG या PDF फॉर्मेट में हो सकते हैं। यहाँ पर फाइल साइज़ भी दे रखा है इन्होंने, फ़ोटो का साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए
और ओनरशिप और आइडेंटिटी प्रूफ का साइज 500 KB से कम होना चाहिए। अगर आपके PDF का साइज इस लिमिट से ज़्यादा है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। PDF को कंप्रेस करने के लिए वेबसाइट है आई लव PDF। ये वेबसाइट अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर कंप्रेस PDF का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप PDF को कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आपकी JPG फाइल है तो रिसाइज इमेज लिखकर अगर आप सर्च करेंगे तो ये बहुत सारी वेबसाइट ओपन हो जाती हैं। इसमें से किसी भी वेबसाइट से आप अपनी इमेज को रिसाइज कर सकते हैं। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को रिसाइज करने के बाद यहाँ से अपलोड करें एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स। यहाँ से अगर आप फोटो को अपलोड करने के लिए चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो ये PDF फाइल नहीं उठाएगा। फोटो के लिए आपको JPG फाइल ही अपलोड करनी पड़ेगी। बाकी जो ओनरशिप के लिए और आइडेंटिटी के लिए प्रूफ हैं उसके लिए आप PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के लिए PDF फाइल अपलोड करें और फोटो के लिए JPG फाइल ही अपलोड करें। तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद जो ये नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है ये ऑप्शनल है, इसको आप चाहें तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक रहने दें। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये इमेज एंटर करें। कैप्चा दे रखा है जो इमेज में, ये एंटर करने के बाद अप्लाई पे क्लिक करें। तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। यहाँ पर लिंक है डाउनलोड करने का, प्लीज़ डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करें। यहाँ से क्लिक करने के बाद इस टाइम ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं हो रही है। तो इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जब आपकी एप्लीकेशन शो हो जाएगी यहाँ पर तो एक बार उसको वेरीफाई कर लें। अगर सारी डिटेल्स ठीक हैं तो सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद ये पेमेंट डिटेल्स आ जाएंगे। अब आपको फ़ीस पे करनी है कनेक्शन के लिए तो पे नाउ पे क्लिक करें। तो जिस मोड से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं इसको सिलेक्ट करके मेक पेमेंट पे क्लिक करें। तो ये आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद इसका प्रिंट आउट ले लें। अगर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपना ई फॉर्म नंबर एंटर करके इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका भी प्रिंट आउट ले लें। अगर स्टार्टिंग में आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप नहीं ले पाए थे तो यहाँ पर क्लिक हियर फॉर कंज्यूमर लॉगिन पे क्लिक करें। उसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करें। एप्लीकेशन नंबर एंटर करने के बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। उसको एंटर करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे इस वेबसाइट पर। उसके बाद आप यहां से भी प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आ जाएगा। आप इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सरल हरियाणा से अप्लाई करने के लिए सरल हरियाणा को लॉगिन करके अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करके व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे जाएं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप पावर लिख के सर्च करते हैं तो सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर पावर डिपार्टमेंट सर्विसेज, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको फैमिली आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो यहाँ से फैमिली आईडी एंटर करके क्लिक हियर टू फैच फैमिली डाटा पे क्लिक करें। उसके बाद मेंबर सेलेक्ट करें। मेंबर सेलेक्ट करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करें। तो जो आपका नंबर होगा फैमिली आईडी में उस पर ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद क्लिक हियर टू वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करें। तो यहाँ पर उसी तरीके का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो एक एक करके सारी डिटेल सेलेक्ट करें। सर्कल का नाम सेलेक्ट करें। उसके बाद सब डिवीज़न नेम। तो यहाँ पर भी जैसे हमने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की वेबसाइट से देखा था सेम वही ऑप्शंस हैं। ठीक उसी तरीके से फॉर्म अप्लाई करें और उसके बाद इसको सबमिट कर दें। तो सेम प्रोसेस है दोनों से अप्लाई करने का। आप सरल हरियाणा से चाहें सरल हरियाणा से, अगर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की वेबसाइट से चाहें तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे उससे अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।